वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साहब संगत जीओ, आओ गुरबाणी सीखीए। अज के इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल इस विषय के संबंध में बेनती सांझी करन जा रहा हाँ, बिल्कुल संखेप मात्र, क्योंकि मेरे ते एक सवाल आया सी वी जदों असी दो भागां वालियां जिहड़ियां सेंचियां हन गुरबाणी दीआं सहज पाठ करन वक्त जदों असी दो भागां वालियां सेंचियां विचों एक भाग दी सेंची नूं असी प्रकाश करदे हां कि उस समय प्रकाश करन वक्त सानूं उपर चंदोआ साहिब लाउणा चाहीदा है जां नहीं। ते इस विषय दे संबंध विच मैं बेनती करना चाहूँगा भी बहुत सिख संगतां साध संगत इह गल याद रखो, अजिहियां हन जिन्हां दे मन दी भावना वा वी असी अपने घर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा सरूप लै के आईए पर कुछ गल्लां नूं मुख रख के भी जिवें साडे पास गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सरूप दी सेवा संभाल होवेगी जां ना होवेगी, किते साडे कोलों कुछ गलत ना हो जावे, कुछ अजिहियां गल्लां नूं लै के उह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा संपूर्ण जिहड़ा सरूप आ अपने घर दे विच प्रकाशमान नहीं करा पाउंदे। क्योंकि सतसंग इस गल नूं याद रखो भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा संपूर्ण सरूप गुरबाणी दा जेकर असीं अपने घर विच प्रकाशमान करना चाहुंदे हाँ तो उस वास्ते सानूं जिहड़ी आ कागजी रूप दे विच जिहड़ी है बहुत प्रकार दी जिहड़ी आ उह फॉर्मैलिटी पूरी करनी पैंदी आ। बकायदा तुहानूं अपने इलाके दे विचों श्रोमणी कमेटी दे किसे मैंबर नाल संपर्क बना के उहनां तों बकायदा चिट्ठी लिखवा के फिर श्रोमणी कमेटी दे पास जा के तुहानूं चिट्ठी देनी पएगी, फिर उस तों बाद उहनां द्वारा पूरी कार्रवाई करन तों बाद फिर तुहानूं जिहड़ा वा गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप जिहड़ा उह इशू कीता जांदा है। पर इत्थे सतसंग मैं इह वी बेनती करना चाहांगा उहनां सिख संगतां वास्ते जिहड़ियां सिख संगतां आपो अपने ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਰੇਲ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੈਂਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੈਰ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। मैं बेनती करना चाहूँगा भी इस गल नूं याद रखो, यह जिहड़ा सत्कार है यह है बाहर मुखी सत्कार, यह बाहर मुखी सत्कार आ, पर असल में जिहड़ा मन करके सत्कार आ, मन करके सत्कार यह आ भी जो गुरु कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली, भी जो गुरबाणी की विचारधारा है जो गुरबाणी सानू समझ बख्शिश करती है उस समझ मुताबक गुरबाणी की विचारधारा मुताबक असी अपने जीवन में ढालना है। सारिया सिख संगत का तह दिलों धन्यवाद जी। अज का प्रोग्राम आप जी पसंद आया हो वध तो वध सिख संगत जरूर शेयर करो, लाइक जरूर करो, कमेंट करके जरूर अपने विचार दो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।